Assalamualaikum everyone, welcome back my channel My Parrot Wi-Fi and me। तो मैं आ गई हूँ सबके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके। और सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मुझे सपोर्ट करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, इन तक वीडियो पर बने रहना और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि तोते को कौन कौन सी सब्जियां खिलाना चाहिए, कौन सी सब्जियां उनके लिए अच्छी होती है। तो ये आज की वीडियो का टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए कि पैरट को खाने में कौन कौन सी सब्जियाँ दी जा सकती है, कौन सी सब्जियाँ देनी चाहिए। और इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी सब्जियां नहीं देनी चाहिए। ठीक है, पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं पैरट के फेवरेट वेजिटेबल्स एंड पैरट के फेवरेट फ्रूट्स, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। आप वो वीडियो भी जाके वॉच करें ताकि आपको पता चले कि पैरट को फेवरेट कौन से वेजिटेबल और कौन से फ्रूट्स होते हैं। तो इनके फेवरेट वेजिटेबल में से एक आता है भिंडी, जो अभी वो खा रहा है इस टाइम। तो बहुत सारे बर्ड ओनर, पैरट ओनर ये बोलते हैं कि हमारा पैरट भिंडी नहीं खाता, छील के फेंक देता है। तो वो छील के नहीं फेंकता है। आप देख सकते हो अभी मेरे पैरट ने इस तरह से भिंडी खा रहा है, क्योंकि वो भिंडी के सिर्फ बीज खाना पसंद करते हैं, जैसे लौकी के भी वो बीज ही खाना पसंद करते हैं और करेले के भी बीज खाना पसंद करते हैं। तो ये सारी सब्जियाँ इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है और ये सारी सब्जियाँ ये पैरट पसंद भी करते हैं। तो सिर्फ अंदर के बीज खाते हैं। अब ये जो ऊपर के भिंडी का छिलका है वो ऐसे ही फेंक देगा, ये बिल्कुल भी नहीं इसको खाएगा। इसके अलावा फ्रेंड, अगर आपका पैरट गाजर भी खाता हो तो आप उसको गाजर भी खाने दें, क्योंकि मेरा पैरट भी गाजर नहीं खाता, फिर भी जब भी गाजर अवेलेबल होता है मैं उसको एक दो टुकड़े खाने ज़रूर देती हूँ। वो थोड़ा बहुत बाइट करके भले उसको फेंक देता है, वो नहीं खाता है, बट इस तरीके से उसको आदत लग जाएगी, एटलीस्ट वो थोड़ा सा खाएगा या फिर धीरे धीरे खाना सीख जाएगा। इसके अलावा मेरे पैरट को टमाटर बहुत पसंद है, या आप टमाटर हाफ कट करके उसको दे, या फिर टमाटर के जो बीज वाला पार्ट होता है उसको आप एक कटोरी में निकाल के दे दे उसको। तो कुछ पैरट तो बीज वाला पार्ट खा के उसका रस भी पीते हैं। स्टार्टिंग में मेरा पैरट भी बीज वाले पार्ट खा के टमाटर का रस पी जाता था, बट अब नहीं पीता है, बस उसके टमाटर के बीज ही खाता है। वीडियो में मैं सिर्फ सब्जियों की इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, जानकारी दे रही हूँ। इसके अलावा पैरट को फल भी दिए जाते हैं, इसका सेपरेट वीडियो बना हुआ है फेवरेट फ्रूट्स पे, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये भी तो जान लीजिए कि इन सब्जियों को देने के बेनिफिट्स क्या है, फ़ायदे क्या है। तो इनके जो फैदर देख रहे हो आप, इनके फैदर इससे काफ़ी सुंदर हो जाते हैं, काफ़ी ग्रीन हो जाते हैं। अभी मेरा पैरट कैमरे में अलग मतलब दिख रहा है और रियल में अलग दिख रहा है, कैमरे में वैसे कैप्चर नहीं हो रहा जैसे वो है। अगर आपके पैरट एडल्ट होगा, उसके गले पर रिंग आई होंगी, रेड रिंग, ब्लैक रिंग, तो ये सब चीज़ें सब्जियां देने से वो और भी सुंदर होती है, और भी निखर के आती है, आपका पैरट और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। तो इनके पंख सुंदर होकर आने के लिए, इनका रिंग का कलर सुंदर करने के लिए, इनको ये डाइट में ये सब फूड पिगमेंट विच देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके बॉडी में ये पिगमेंट जाएंगे और उनके ब्लड के थ्रू ये हर चीज़ को इम्प्रूव करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा पैरट नहीं खाता है, तो उनको धीरे धीरे दे और डेली दे ताकि उनको आदत लगे और उनको आदत ये सब चीज़ की लग जाएंगी। बट आपको डेली वो चीज़ उनके डाइट में देना होगा, भले ही वो खाए नहीं खाए। अब ये जो मैंने इसकी प्याली में स्प्रॉट्स दी, अखा मूंग भिगोया हुआ दी, इनको मूंग बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो मैं क्या करती हूँ, काफ़ी टाइम तक उसको कुछ नहीं देती हूँ, तो वो बराबर धीरे धीरे जाके थोड़ा 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 खा लेता है, जबकि वो पसंद नहीं है, बट उसको वो आदत लग जाएंगी। आप लोगों को भी ऐसा डेली दे के अपने पैरट को वो चीज़ की आदत लगवानी है। क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैंने ये भी बताई थी कि कौन से वेजिटेबल आप नहीं दे सकते हैं पैरट को, उनके लिए हानिकारक होते हैं, तो वो वेजिटेबल्स है ऑनियन और गार्लिक। आप कभी भी अपने पैरट को कच्चा या पका हुआ प्याज और लहसुन नहीं देना है, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, हो सकता है उनके लिए वो जहरीला भी साबित हो जाए, तो उससे आपके पैरट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखें
उनको कभी भी खाने में लहसुन और प्याज ये सब ना दे। इसके लिए मैं और दो चीज़ें आपको बता देती हूँ, लहसुन, प्याज, पोटैटो और ब्रिंजल, ये सब चीज़ें उनको खाने में बिल्कुल भी नहीं देनी है। ब्रिंजल भले ही वेजिटेबल है बट वो भी उनके लिए नुकसानदायी है, तो वो आपको नहीं देनी है। इसके अलावा मैं आपको और एक चीज़ बता देती हूँ, ना वो फ्रूट है ना वो वेजिटेबल है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, तो प्लीज़ आप अपने पैरट को कभी भी चॉकलेट खाने ना दें। चॉकलेट पैरट के लिए बहुत ही पॉइजनस होता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आपको कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बताइए। सो जज़ाकअल्लाह एवरीवन।